हेलो फ्रेंड्स, और आप लोग कैसे? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक फिर वीडियो के साथ आया हूँ। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे डाई के बारे में। डाई कितने प्रकार की होती है और इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, आओ चलते अपने वीडियो अपने वीडियो पर चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका मैं रिप्लाई करूंगा। तो फ्रेंड्स, अपने वीडियो पर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डाई। आज हम डाई के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो आओ चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाई? जिप्सी डाई, डायरेक्ट डाइंग, सल्फर डाई, पिगमेंट डाई और डिस्चार्ज डाई। तो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो जो है रिएक्टिव डाई के ऊपर बना हुआ है। आज हमारा टॉपिक है रिएक्टिव डाइंग, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे हम हमारा डायरेक्ट डाई क्या होता है, सल्फर डाई क्या होता है। तो और चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। रिएक्टिव डाइंग, रिएक्टिव डाई इज द डाई दैट कैन रिएक्ट विद ए फाइबर टू फॉर्म ए कॉन्वेंट। ये फाइबर के साथ रिएक्ट करता है और एक अस्थाई लिंक बनाता है। दैट इज फॉर्मिंग ए परमानेंट अटैचमेंट इन द फाइबर। ये फाइबर, ये डाई जो है ये फाइबर में परमानेंट अटैच हो जाता है एंड कुड नॉट बी रिमूव्ड बाई रिपीटेड ट्रीटमेंट। और इसे रिमूव नहीं किया जाता बॉइलिंग वाटर, वाटर बॉयल करके भी इसको रिमूव नहीं किया जाता, क्योंकि यह रिएक्टिव डाई जो है ये फाइबर के साथ रिएक्ट करता है और इसकी जो डाई होती है वो फाइबर में जाके परमानेंट अटैच हो जाती है, इसलिए इसको हम रिएक्टिव डाइंग कहते हैं। तो और चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। व्हाई इज इट कॉल्ड रिएक्टिव डाइंग? इसको हम रिएक्टिव डाइंग क्यों बोलते हैं? द टर्म रिएक्टिव सिग्निफाइज दैट द डाइज रिएक्ट रैपिडली विद एन फाइबर लाइक कॉटन एंड प्रोड्यूस कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन विद एन एक्सलेंट कलर फास्टनेस। सो दिस डाई इस डाई स्टफ इज कॉल्ड रिएक्टिव डाई। ये डाई जिसे जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि रिएक्टिव डाई, ये रिएक्ट करता है फाइबर के साथ, ये सेलुलोजिक फाइबर के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए इसका नाम रिएक्टिव डाई पड़ा है। और ये जब फाइबर के साथ रिएक्ट करता है तो एक परमानेंट अटैचमेंट बना देता है, इसलिए हम इसको रिएक्टिव डाई बोलते हैं। वाट आर द एडवांटेज ऑफ रिएक्टिव डाइज? अब हम जानेंगे कि इसके एडवांटेज क्या है। रिएक्टिव डाइज व्हेन यूज इन टेक्सटाइल प्रिंटिंग अंडरगो केमिकल रिएक्शन विद द फैब्रिक दैट रिजल्ट इन ए लॉन्ग लास्टिंग। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि रिएक्टिव डाई एक जो रिएक्ट करता है फाइबर के साथ, इसलिए एक ये लॉन्ग लास्टिंग कलर माना जाता है, मतलब काफ़ी लंबे समय तक कलर इसमें रहता है, स्थायी रहता है। दिस फैब्रिक कैन बी इजली वॉश्ड एट हाई टेम्परेचर्स अप टू 40 डिग्रीज विदाउट एनी लॉस इन द कलर। इस फैब्रिक में फैब्रिक को हम वॉश करना ईजली होता है, इसको हम हाई अप टू 40 डिग्री टेम्परेचर पे वॉश कर सकते हैं विदाउट एनी लॉस कलर, मतलब हम वॉश करेंगे इसका कलर नहीं जाएगा। कलर फास्टनिंग प्रॉपर्टी इज गुड। इसकी कलर फास्टनेस की प्रॉपर्टी अच्छी होती है, जैसे कि कलर फास्टनेस टू वाटर, कलर फास्टनेस टू परस्पिरेशन, कलर फास्टनेस टू लाइट जो हम टेस्ट करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज अच्छी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मेरा आने वाला अगला वीडियो उसी टॉपिक पे होगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।